नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। वे पूरे मुल्क का भ्रमण कर जगह जगह जनसभाएं भी कर रहे हैं और नए तरीके से चुनाव कराने के लिए शरीफ सरकार पर लगातार दबाव भी बना रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति से इमरान खान घबरा गए हैं। अब तक वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा के खिलाफ जहर उगलने वाले इमरान अब उन पर लट्टू दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिका के बड़े रईसों में शुमार जेफ बेजोस की अंतरिक्ष की सैर कराने वाली कंपनी ब्लू ओरिजिन को सोमवार को सख्त बड़ा झटका लगा जब उनके द्वारा छोड़ा गया न्यू शेपर्ड रॉकेट का बूस्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। हालांकि इसका कैप्सूल बच गया और ये सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आया। चूंकि ये पेलोड मिशन था इसलिए इसमें कोई अंतरिक्ष यात्री सवार नहीं था, लेकिन कंपनी के अंतरिक्ष पर्यटन के लिए ये एक आघात माना जा रहा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले विदेशी नेताओं और उनकी पत्नियों से कहा गया है उन्हें अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं दी जाएगी, सभी को बस से आना होगा। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़कर एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनाई है। उसके बाद नीतीश कुमार हर मोड़ पर भाजपा पर हमलावर नजर आए, लेकिन सिर्फ नीतीश ही नहीं भाजपा भी नीतीश कुमार पर हमलावर है। तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और अन्नाद्रमुक पार्टी के नेता सी विजय भास्कर से जुड़े 13 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस के अधिकारी चेन्नई स्लेम और पूर्व मंत्री से जुड़े अन्य ठिकानों पर पहुंचे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में आग लग गई। बताया जा रहा है घटना उस वक्त हुई जब यहां इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज की जा रही थी। आग लगने के कारण अब तक हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया मृतकों में एक महिला भी शामिल है। और अब बढ़ते हैं राज्य की खबरों की तरफ। हिमाचल पंजाब सीमा पर हरोली उपमंडल के दुलहड़ में सोमवार देर शाम अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात में कांग्रेस कार्यकर्ता का भतीजा भी घायल हुआ है। सीमा को सील कर वाहनों को खंगाला जा रहा है। पुलिस की टीमें पंजाब व हिमाचल में दबिश दे रही है। आरोपी फरार है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता स्कूल न्यू के 530 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव बनाने के आदेश दिए गए हैं। प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में बताया गया है कि स्कूल प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 15 और 16 सितंबर को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की है। सोमवार शाम तक प्रदेश में 25 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। कांगड़ा में 13, कुल्लू में 7, चंबा में 4 और सोलन में 1 सड़क बंद है। और अब बढ़ते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की तरफ। महंगाई के मोर्चे पर जनता को एक बार फिर झटका लगा है। अगस्त में खुदरा महंगाई की दर बढ़कर 7% हो गई है, जबकि जुलाई 2022 में ये 6.71% थी। पंजाब बॉर्डर से कुछ दूरी पर स्थित दुलहड़ गांव में एक अज्ञात हमलावर ने गोलीबारी कर एक युवा कांग्रेस नेता की हत्या कर दी, जबकि उसका भतीजा घायल है। विधानसभा चुनावों के लिए टिकटों पर मुहर लगाने के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 15 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित थी, लेकिन फिलहाल इस बैठक को टाल दिया गया है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल के प्रति आम आदमी पार्टी का सम्मोहन और प्रदेश का आपके प्रति सम्मोहन इस समय गहन पड़ताल के दौर से गुजर रहा है। इस लेख को लोकप्रिय सम्मोहन की उलझन शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तीस्ता के जल बंटवारे का खुलेगा रास्ता, प्रमोद भार्गव का लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अमृत महोत्सव और हिंदी का विकास, प्रिय वंदा का लेख भी यहाँ छपा है। अविनाश प्रेरणा का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। छिलकों की छाबड़ी में ये तेरा घर ये मेरा घर, पीए सिद्धार्थ का लेख आप पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की।
दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। रिसर्च के जरिए वैज्ञानिक इन रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। शोध के दौरान नई नई जानकारियां सामने आती रहती हैं। अब इस बीच वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों के इस शोध के आधार पर आने वाले समय में इंसान को अमर बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंसान की बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है और इंसान हमेशा जवान रहेंगे। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा। वैज्ञानिकों के इस कदम को अमर जीवन के रहस्य को जानने में बड़ी सफलता माना जा रहा है। हालांकि अमरता को लेकर विवाद रहा है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के मुताबिक कई ऐसे महापुरुष हैं जिनको अमरता प्राप्त हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में यह संभव नहीं है। अब देखना होगा कि वैज्ञानिकों को इस मामले में कितनी कामयाबी मिलती है। ज्ञात प्रजातियों में सिर्फ एकमात्र जेलीफिश ही ऐसा जीव है जो एक प्रकार से अमर है। इस जीव में इतनी क्षमता है कि बढ़ती उम्र को वह पलट सकता है और जब तक चाहेगा जिंदा रह सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है जेलीफिश सिर्फ ऐसा जीव है जो दोबारा बच्चा बन सकता है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।